नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आप देख रहे हैं साहिल फ्री डिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ मेलबोर्न यूनिवर्सल HD फ्री टू एयर सेटअप बॉक्स। दोस्तों, ये सेटअप बॉक्स बिना डिश, बिना रिचार्ज और बिना इंटरनेट के चलता है। दोस्तों, इस बॉक्स में दोस्तों पूरे के पूरे 5000 टीवी चैनल आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस बॉक्स में आप यूट्यूब देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेटअप बॉक्स में IPTV देख सकते हैं। दोस्तों, इस सेटअप बॉक्स में आप अपने मोबाइल के द्वारा क्रोम कास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बॉक्स को आप कास्ट भी बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। पूरी जानकारी दोस्तों हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, ये मेड बाई इंडिया है, आपको किसी बाहर कंट्री में नहीं खरीदना होगा। दोस्तों, यहाँ पे DD फ्रेडिस का लोगो आपको नजर आ जाएगा, वहीं पे दोस्तों मेलबोर्न का ब्रांड लोगो, मेलबोर्न यूनिवर्सल HD फ्री टू एयर डिजिटल सेटअप बॉक्स। दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस बॉक्स की ये है, BIS द्वारा प्रमाणित है। मिलते जुलते आपको लोकल भी बॉक्स इसमें के मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों नकलों से सावधान। दोस्तों, आज मैं आप सबको इस बॉक्स की पूरी अनबॉक्सिंग, पूरी अनपैकिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके कलर्स कुछ इस प्रकार के हैं। दोस्तों, इन कलर्स में ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों मेनू फीचर लिखा हुआ है, आप इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब आइए दोस्तों, बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं और अब हम आपको इस बॉक्स को पूरा खोल के दिखाते हैं। खोलने से पहले दोस्तों, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। हम अपने 5 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को दोस्तों दे रहे हैं मेलबोर्न यूनिवर्सल HD बॉक्स। दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहले कमेंट और सबसे पहले लाइक करने वाले ही 5 लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को दिया जाएगा। और सबसे प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, आप शेयर कर सकें तो शेयर जरूर कीजिएगा, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ये सेटअप बॉक्स को फ्री में पाने का। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो आप जरूर ही कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो में आपके नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, ऊपर हम आप लोगों को कुछ एक चीजें दिखा दें। Wi-Fi सपोर्टेड है, फुल HD 1080p पे ये वर्क करता है, YouTube चलता है, डिजिटल सेटअप बॉक्स है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज नोट दिस सेटअप बॉक्स इज ओनली फॉर फ्री टू एयर सैटेलाइट डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्ट। दोस्तों, BIS द्वारा यहाँ पे प्रमाणित, आप देख सकते हैं, डीडी फ्रेडिस का लोगो है, HDMI है, USB 2.0 है और H.264 पे ये वर्क करता है। PVR का ऑप्शन है, CNKU बैंड है, 5000 टीवी चैनलों की कैपेसिटी है और साइलेंस लॉक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए, हमने इसे निकाल दिया है और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये आता है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या क्या है ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। दोस्तों, ये बॉक्स आप देख सकते हैं, एकदम बिल्कुल नया नवेला बॉक्स है। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, ये पन्नी लगी है, मेलबोर्न ओरिजिनल का ये पन्नी लगी हुई है। इस पन्नी को हम फाड़ देते हैं, ये पन्नी काफ़ी मजबूत है दोस्तों। ये देखिए पन्नी को मैंने फाड़ दिया और मैं अब आप लोगों को यहाँ पे इस बॉक्स को दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉक्स है DVB-S2 डिजिटल वीडियो ब्रॉडकास्टिंग MPEG-4 HD बॉक्स है ये। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स की ये वाली जो डिस्प्ले है, यहाँ पे आप ये डिस्प्ले देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर ऑन ऑफ का स्विच है, मेनू है, ओके है और चैनल और वॉल्यूम के बटन आपको देखने को मिल जाते हैं। मेलबोर्न यूनिवर्सल HD बॉक्स है, हथेली जितना ये बड़ा बॉक्स है, काफ़ी लाइट वेट है दोस्तों, काफ़ी अच्छा। दोस्तों, कार्ड लगाने का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कार्ड नहीं लगेगा। बैक आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पावर इन का ऑप्शन है और दोस्तों यहाँ पे IR, जैसे बहुत सारी टीवियाँ होती हैं, टीवी के आगे एक डिस्प्ले आती है, उसको आप लगा सकते हैं यहाँ पे लगाने के बाद, यानी कि जो ये डिस्प्ले है ये वर्क करेगी आपके टीवी के आगे। मान लो इसको आप छुपा के रखना चाहते हैं टीवी के पीछे। दोस्तों, RS-232 का यहाँ पे पोर्ट है, जो कि 3.5 mm का पोर्ट है। यहाँ पे USB का हब है, यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो का यहाँ पे 3.5 mm का पोर्ट दिख जाता है। यहाँ पे दोस्तों आपको HDMI का पोर्ट है, USB 2.0 यहाँ पे मिल जाएगा और LNB इनका ऑप्शन मिल जाएगा।
बात करें दोस्तों यहाँ पे इसके स्टिकर की, आप देख सकते हैं जब आप स्टिकर को ऐसे करेंगे तो तमाम कलर्स में आपको मेलबोर्न ओरिजिनल लिखा हुआ आएगा। जिसमें मेलबोर्न ओरिजिनल लिखा हो उसी बॉक्स को आप खरीदें, वरना दोस्तों वो लोकल भी हो सकता है और हर एक कलर में चमके तो नहीं। तो बहुत सारे स्टिकर आते हैं लोकलों पे एकदम सिंपल चिप लगा रहता है, वो लोकल होता है। दोस्तों इसकी डिस्प्ले भी हम आप लोगों को जला के यहाँ पे दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस बॉक्स को हमने रख दिया है। यहाँ पे दोस्तों एक वाईफाई डोंगल मिल जाता है इस बॉक्स के साथ में। तो दोस्तों इस वाईफाई डोंगल को हम यहाँ पे रख देते हैं। और अब दोस्तों जो हमारा अगला है टारगेट, ये है दोस्तों एडाप्टर। एडाप्टर दोस्तों यहाँ पे इसमें कुछ इस प्रकार से ये वाला एडाप्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेलबोर्न लिखा हुआ है और यहाँ पे दोस्तों इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है। मोटी पिन का एडाप्टर है। तो दोस्तों इसे भी हम साइड में रखते हैं, आप लोगों को दिखना चाहिए सारी चीज़ें। दोस्तों यहाँ पे एक यूनिवर्सल रिमोट मिल जाता है, मेलबोर्न यूनिवर्सल HD रिमोट मिल जाता है। जो रिमोट की जो दोस्तों क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, काफ़ी छोटा रिमोट है और ये रिमोट आपको मार्केट में बड़ी इजी तरीके से मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपका रिमोट ख़राब हो जाएगा तो आप कंपनी थोड़ी दौड़ोगे, और ये कंपनी आपको साल भर की वारंटी गारंटी भी देती है। पीछे दोस्तों MPEG-4 HD लिखा हुआ है, पेंसिल सेल लगते हैं और ये रिमोट काफ़ी अच्छा जोरदार और धमाकेदार वाला रिमोट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों मैं इसको पूरा परचेज करने का तरीका बताऊँगा आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर आपको ये देख सकते हैं एक ऑडियो वीडियो केबल एकदम नए मॉडल में मिल जाता है। तो दोस्तों इसका मॉडल क्या है, इसकी डिटेल क्या है, ये मैं तो आपको दिखाऊंगा ही। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा इसका ऑडियो वीडियो केबल। दोस्तों ऑडियो वीडियो केबल आप लोग देख सकते हैं, ये रहा ऑडियो वीडियो केबल। दोस्तों यहाँ पे 3.5 mm की एक लीड मिल जाती है। दोस्तों ये लीड काफ़ी मतलब जानदार शानदार है। यहाँ पे आपको येलो वीडियो का है और ये दोनों ऑडियो के पोर्ट हैं, मैं लगेंगे यानी ये टीवी में जाके लग जाएंगे। अगर आपके पास HDMI के थ्रू आप देखना चाहते हैं तो HDMI के थ्रू आप इसे देख सकते हैं, बखूबी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको इस बॉक्स के साथ मिलती है। बॉक्स की कीमत काफ़ी सस्ती है। इसे आपको कैसे परचेज करना है ये भी जानकारियां मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए दोस्तों एक झलक मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसको ऑन। तो आप लोग देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से यहां पे ऑन होता है और जो इसके नंबर्स हैं ये कुछ इस प्रकार से यहां पे दिखते हैं। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हैं ये बॉक्स काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा ये बॉक्स है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 5200 TV चैनल्स आपको यहाँ पर, हमको लगभग 6200 के आसपास में चैनल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब आइए दोस्तों हम आप लोगों को टीवी में सब कुछ इसका चला के दिखाते हैं।